हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड लाइफस्टाइल बाय शिवानी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिगिनर्स मेकअप किट। उसके अंदर बिगिनर्स मेकअप किट में आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो कि बहुत अच्छे भी हों और जो ओवरऑल आपके मेकअप के हर स्टेप को कवर करते हों। सो आज हम ऐसे ही मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके पास होने चाहिए। सो अब हम वन बाय वन हर एक प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास नंबर वन प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि होता है हमारा मॉइस्चराइज़र। आप मॉइस्चराइज़र कोई भी यूज़ कर सकते हो बट आपकी किट में मॉइस्चराइज़र होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपना पहला स्टेप मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे अप्लाई नहीं करोगे तो आपका मेकअप बिल्कुल पैची और केकी दिखेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी किट में होना चाहिए मॉइस्चराइज़र, ठीक है। आई हैव टू मॉइस्चराइज़र पॉन्ड्स एंड लैक्मे। आप अपने बेसिस पे जो आपके स्किन टाइप को सूट करता है वो वाला मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। सो दीज आर द टू प्रोडक्ट्स एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज प्राइमर। प्राइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्राइमर वो लेना है जो कि वाटर प्रूफ हो, क्योंकि ये आपके स्किन से एक्सेस ऑयल को रिमूव कर देता है और आपके मेकअप के स्टे को बढ़ाने के लिए प्राइमर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। सेकेंड थिंग, इससे आपके मेकअप का स्टे भी बढ़ता है, ऑयल भी कंट्रोल रहता है और जो भी हम मेकअप प्रोडक्ट प्राइमर लगाने के बाद अपने फेस पे अप्लाई करते हैं वो इजीली आपके फेस के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। सो दिस इज आल्सो द मस्ट हैव प्रोडक्ट इन योर बिगिनर्स मेकअप किट। एंड द थर्ड प्रोडक्ट इज लिक्विड फाउंडेशन। यस, हमें चाहिए होता है लिक्विड फाउंडेशन जो कि है मेरे पास लैक्मे 9 to 5। ये मेरे शेड के अकॉर्डिंग है कूल इवोरी C100। सो आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कि आपका फेस का कलर कैसा है आप उसके अकॉर्डिंग अपना फाउंडेशन ले सकते हैं। सो फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेकअप किट में, क्योंकि फाउंडेशन के बिना आपका मेकअप हो ही नहीं सकता। सो दिस इज ऑल्सो द मोस्ट एसेंशियल आइटम इन द बिगिनर्स मेकअप किट। एंड द नेक्स्ट इज कंसीलर। आप सभी को पता होगा कि कंसीलर किस लिए बेनिफिशियल होता है। अगर आपके फेस पे ब्लैक हेड्स हैं या आपके फेस पे कोई भी डार्क स्पॉट्स हैं या कोई पिंपल का मार्क है तो वो इसकी हेल्प से इजीली छुप जाता है। मेरे पास स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, लिक्विड कंसीलर। दिस इज़ द बेस्ट कंसीलर एंड बजट फ्रेंडली ऑल्सो। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये ईजिली आपके फेस में अब्सॉर्ब हो जाता है और जो भी आपके स्पॉट्स होते हैं वो इजीली इससे छुप जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट इज सेटिंग पाउडर। सेटिंग पाउडर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम अपने मेकअप को फाइनल फिनिश देते हैं तो उसके लिए सेटिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास माय ग्लैम का है कॉम्पैक्ट पाउडर, ये मेरे शेड के अकॉर्डिंग है। आप भी अपने शेड के अकॉर्डिंग मार्केट से जो भी आपको अच्छा लगे वो परचेज कर सकते हैं, पर ये आपके बिगिनर्स मेकअप किट में डेफिनेटली होना चाहिए। आपके मेकअप के बाद जो आपको स्वेटिंग होती है उससे भी आपको बचाता है। सो माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ ब्लशर। अब हमारे पास ब्लशर होना चाहिए। अब ब्लशर तो बहुत सारे टाइप्स के अवेलेबल हैं मार्केट में। मैं जो मोस्ट प्रेफर करती हूँ लगाने में वो है मेरे पास ये लिप एंड चिक टेंट। ये जस्ट हर्ब्स के हैं। वन इज़ पीची कॉरल एंड अदर इज़ पेल पिंक। दिस इज़ वेरी नाइस। ये लिप एंड चिक टिंट हमारे दोनों काम में आ जाते हैं, हमारे लिप्स को भी टिंट देते हैं प्लस हमारे चिक्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अब मेकअप इनकम्प्लीट होता है जब तक कि हम अपने फेस पे एक अच्छा सा पिंकिश ग्लो ना आए, तो उस पिंकिश ग्लो के लिए नेचुरल ब्लश के लिए हमें चाहिए होता है ब्लशर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इस प्रोडक्ट को भी आपको ज़रूर अपने बिगिनर्स मेकअप किट में शामिल करना है। सो अब मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है हाइलाइटर। हाइलाइटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाइलाइटर लिक्विड में भी आता है और वैसे भी बहुत सारे हाइलाइटर्स अवेलेबल हैं, तो आपको जैसा हाइलाइटर पसंद है आप ले सकते हैं। मेरे पास ये इनसाइड का हाइलाइटर है, दिस इज़ वेरी नाइस। इसके पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है और ये बहुत ही बजट फ्रेंडली भी है। देन इफ़ यू वॉन्ट दिस, आपको ये अमेजोन से भी मिल जाएगा, शॉप से भी मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। जब हमने मेकअप करने के बाद अपने फेस को हाईलाइट करना है तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके चिक बोन को, आपके चिन को, आपके नोज़ को, इससे हम हाईलाइट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज आई शेडोज। अब हमारी बिगिनर्स मेकअप किट में आई शेडोज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईज का मेकअप इनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। सो मेरे पास ये मार्स का है आई शेडो पैलेट, दिस इज़ वेरी नाइस। इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं, हमें जैसा भी मेकअप करना हो हम इससे ईजिली कर सकते हैं। अगर हमें स्मोकी आईज चाहिए तो भी हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो द मस्ट हैव प्रोडक्ट। तो भी आपको अच्छा लगे मार्केट में आपको जाके जो अच्छा लगे आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आपको एक आई शेडो पैलेट अपने किट में ज़रूर ऐड करना है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आईज़ के मेकअप को बहुत सुंदर बना देता है, तो वो क्या है,
आईलाइनर डिफरेंट शेड्स के मार्केट में अवेलेबल है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे शेड्स के आईलाइनर हैं। दिस लैक्मे आईलाइनर, दिस इज ऑफ सी ग्रीन कलर। ब्लू आईलाइनर आप स्केच वाला भी ले सकते हैं, लिक्विड भी ले सकते हैं। स्केच वाले के भी रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, ये इजीली लग जाता है आपके आईज के ऊपर। ये ब्लैक है, ये ब्राउन है। सो जो भी आपको आपके अकॉर्डिंग आपको अच्छा लगता है मार्केट में जाके, आप वो ज़रूर लें और उसे अपने बिगिनर्स मेकअप किट में ज़रूर रखें। नेक्स्ट इज काजल। सो काजल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो काजल हमारे पास ब्लैक भी है, ब्राउन भी है। पहले सब लोग हमेशा क्या करते थे, ब्लैक ही काजल अप्लाई करते थे अपनी आईज़ पे, बट ब्राउन काजल भी आपकी आईज़ पे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप दोनों भी ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, आप ब्लैक या ब्राउन में से। बट ब्लैक तो आपको अपने किट में रखना ही रखना है। तो आप किसी भी कंपनी का कोई भी जो आपको अच्छा लगे, आपके बजट में हो, आप उसे ज़रूर लें और अपनी बिगिनर्स मेकअप किट में ज़रूर रखें। नेक्स्ट इज आईब्रो पेंसिल। समटाइम्स आईब्रो पेंसिल की भी नीड होती है। ब्राउन काजल को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सेपरेट एक आईब्रो पेंसिल को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मस्कारा। यस, मस्कारा इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपकी आईज़ हैं, आपकी आई लैशेज हैं, उसको सुंदर दिखाने के लिए आपको मस्कारा को यूज़ करना होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आइटम, तो ये भी आप ज़रूर लें। एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज लिपस्टिक। सो लिपस्टिक्स तो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। जो भी आपको आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, अपने कलर के अकॉर्डिंग आपको जो भी अच्छी लगती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल बहुत न्यूड शेड्स का ट्रेंड चल रहा है। सो आप जो भी आपको न्यूड शेड्स पसंद है या जो भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, उन शेड्स के लिपस्टिक ले सकते हैं और अपनी किट में डेफिनेटली रख सकते हैं, क्योंकि लिपस्टिक्स के बिना मेकअप इनकम्प्लीट है। अदर मेकअप टूल्स, अदर मेकअप टूल्स में क्या क्या आता है? सो दिस इज़ द ब्यूटी ब्लेंडर। ये आपके मेकअप को ब्लेंड करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये आपके बिगिनर्स मेकअप किट में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि आपको जब भी फाउंडेशन अप्लाई करना है, कंसीलर अप्लाई करना है, इवन आपको टिंट भी अप्लाई करना है, तो भी इजीली आप इससे उसे अपने स्किन में ब्लेंड कर सकते हो। और ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है। आपके पास ब्लशर के लिए ब्रशेज होने चाहिए, ठीक है, एंड आपके पास आई मेकअप के लिए ब्रशेज होने चाहिए। सो ये छोटे वाले भी आप ले सकते हो, ये डबल साइड वाला भी आप ले सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे और जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो, आप वो मार्केट से परचेज कर सकते हो। आईब्रो के लिए टूल होता है, ये आपकी आईब्रोज को इजीली शेप देने के लिए बहुत अच्छा है। सो आप ये भी अपनी मेकअप किट में एड ऑन कर सकते हैं। दीज आर द ऑल प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको दिखाए हैं, जो कि आपके बिगिनर्स मेकअप किट में ज़रूर होने चाहिए। आज मैंने आपको जो ये प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, इनको आप अपनी मेकअप किट में, बिगिनर्स मेकअप किट में स्पेशली ज़रूर एड ऑन करें। देखना आपको ये वाले प्रोडक्ट्स आपके पूरे के पूरे ओवरऑल मेकअप को कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा आपको और कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि आप एक बिगिनर हैं। तो बिगिनर्स को जितने मेकअप की नीड होती है, वो मैंने आपको सारा बता दिया। इससे आप डेफिनेटली कंप्लीट अपना मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो, जो कि बहुत फ्लॉलेस दिखेगा, क्योंकि हमने जिन भी प्रोडक्ट्स की बात की है, वो मेकअप में मस्ट एसेंशियल्स हैं। और जब हम मेकअप आइटम्स को सबको कंबाइन करके चलते हैं, मेकअप एसेंशियल्स को, तो आप डेफिनेटली आपका मेकअप जो है वो फ्लॉलेस दिखता है। सो आप इसको ऐड ऑन करें अपने किट में और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।